हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ न्यू क्वेश्चंस। चलिए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा, इन अ सर्टेन कोड रिलेशन इज रिटन एज BMF SOP JU, हाउ इज एडवाइजरी रिटन इन दैट कोड। हमें क्वेश्चन में रिलेशन का कोड गिवन है दिस, और हमने फाइंड करना है कोड किसका, एडवाइजरी का। ओके, चलिए जो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। कैसे लिखना है इसको, आर ई एल ए टी आई ओ एन। क्या कोड गिवन है हमें इसका, बी एम एफ एस ओ पी जे यू। ओके, अब देखो इन अल्फाबेट्स की मैं नंबरिंग को पुट कर लेंगे कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी नंबरिंग में प्लेस करता है। आर है हमारा 18 पे, ई 5 पे, एल 12 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे। ओके, सेम अब इसकी प्लेस पे नंबरिंग, बी 2 पे, एम 13 पे, एफ 6 पे, एस 19 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, जे 10 पे, यू 21 पे। ओके, अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। आर 18 पे हमारा, अब तक यहां पे क्या होगा, आर यहां पे 2 5 13 12 6 ए 1 19, इसका कोई भी लिंक नहीं बन रहा। ओके, अब देखो अगर हम इसको क्रॉस इंटू करके देखें तो उसका लिंक बनता है या नहीं। चलिए यहां पे इसको पहले सॉल्व करते हैं। 18, अब देखो 18 यहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है हमारे अल्फाबेट से। ओके, अब 18 देखो, अगर हम 18 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 19। अब देखो यहां पे 19 है कि दिस वन, मतलब आर जो है वो कहां से क्रॉस इंटू हो रहा है, एस से। क्लियर हुआ कैसे करना है इसको, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका 5, देखो 5 जो है, 5 के बाद आता है 6, अगर हम 5 में 1 प्लस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। हमारा 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब क्रॉस इंटू हो रहा है। ओके, 5 में क्या है, ई, और 6 में क्या आ गया आपका, एफ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एल, एल में क्या आपका 12, 12 के बाद 13, 13 में क्या आ गया आपका एम। क्लियर हो रहा साथ साथ। नेक्स्ट देखो ए में आपका 1, 1 प्लस 1 2, 2 में आ गया आपका बी। मतलब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि अगर एक अल्फाबेट है, इन्होंने क्या किया हुआ है, 4 4 का पेयर बना के इनको क्रॉस इनटू किया हुआ है। ओके, क्लियर हो रहा है आपको। वापस देखो आप, ये 4 पेयर क्लियर हो गए, नेक्स्ट 4 पेयर देखते हैं हम। टी, टी हमारा 20 पे है, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21 पे आ गया हमारा यू। ओके, अब देखो आगे आई, आई हमारा 9 पे है, 9 पे अगर हम प्लस 1 करें तो हम कहां जाएंगे, 10 पे, 10 पे आपका क्या आ गया, जे। ओके, नेक्स्ट है आपका पी, सॉरी ओ, ओ हमारा 15 पे है, 15 प्लस 1 करेंगे हम आएंगे 16 पे, 16 में आ गया आपका पी। नेक्स्ट एन, एन हमारा 14 पे है, 14 में प्लस 1 करेंगे 15 पे आएंगे, 15 हमारा क्या आ गया, ओ। क्लियर हुआ साथ साथ, कैसे हम रिलेशन का कोड जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ वो हमने 4 4 के पे करके सॉल्व कर दिया। ओके, अब जो हमें कोड पूछा गया है क्वेश्चन में, चलो उसको फाइंड करते हैं उसका कोड क्या निकलेगा। क्वेश्चन में हमें कोड पूछा हुआ है किसका, एडवाइजरी का, ए डी वी आई एस ओ आर वाई। ओके, अब देखो पहले क्या करेंगे हम, ये भी 8 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 4 4 का पेयर बना लेंगे इसको। ओके, 4 इस साइड एंड 4 इस साइड, ठीक है। अब देखो सेम पैटर्न यूज होगा, आर में अगर हम प्लस 1 किया तो हमारा एस आया, मतलब अगर हम ए में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बी। ए हमारा 1 पे, तो बी कहां पे होगा हमारा, 2 पे। साथ साथ क्लियर हो रहा है।
सेम पैटर्न यूज करना आपने जहां पे क्रॉस इनटू हुआ, आपने इसी अल्फाबेट को उसी क्रॉस इनटू पे रखना है। ओके नेक्स्ट देखो डी, डी हमारा कितने पे है, 4 पे, डी प्लस 1 करके क्या आएगा ई, ई हमारा आ गया 5 में। अब देखो यहाँ पे जो ई था वो एफ से, ठीक है, कहां पे क्रॉस इनटू हुआ देखो, मतलब जो डी हमारा कहां पे आएगा इस साइड, डी के में 1 प्लस किया क्या आ गया हमारा ई, डी हमारा 4 पे तो ई हमारा कहां आ गया 5 पे। ओके नेक्स्ट है आपका वी, वी हमारा 22 पे है, 22 प्लस 1 क्या हो गया 23। अब देखो यहां पे कहां पे क्रॉस इनटू होगा इस साइड, V के बाद क्या आएगा 23 पे W। ओके नेक्स्ट देखो I, I हमारा 9 पे है, 9 प्लस 1 10, 10 में क्या आता है हमारा देखो यहां पे कहां पे आएगा लास्ट में J। क्लियर हुआ, ऐसे हमने 4 पेयर जो है वो सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट 4 पेयर जो है हम सॉल्व करते हैं। ओके अब जो हमारा S है, S हमारा कितने पे आते हैं 19 पे, 19 प्लस 1 कितना हुआ 20, 20 में क्या आता है हमारा T। अब यहां देखो जो T हमारा यहां पे क्रॉस इनटू होगा ये एंड में T, T हमारा आ गया 20 में। ओके क्लियर हुआ साथ साथ। नेक्स्ट देखो O, O हमारा कितने पे है 15 पे, 15 प्लस 1 करेंगे 16, 16 में क्या आएगा हमारा P। देखो यहां पे कौन क्रॉस इनटू हुआ इसके साथ, यहां पे क्या आ जाएगा P, P हमारा आ गया 16 पे। ओके नेक्स्ट देखो R, R आता है हमारा 18 पे, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, 19 में क्या आएगा हमारा S। देखो S कहां पे आएगा दिस वन, ओके S में क्या आ गया हमारा 19। लास्ट है हमारा Y, Y आता है हमारा 25 पे, 25 प्लस 1 26, 26 में आता है हमारा Z। क्लियर हुआ कैसे करना है, जो ऐसे इस टाइप के पैटर्न आएंगे उसमें क्या करना है आपको, पहले 4 4 के पेयर बनाने हैं, देन उसके बाद हमें सॉल्व करना है। कई क्वेश्चनों में 6 के पेयर भी आते हैं तो आपको 3 3 करके आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखो जो एडवर्सरी का कोड निकाला हमने वो क्या है, जे डब्ल्यू ई बी जेड एस पी टी। अब देखते हैं ये कोड जो निकाला है हमने वो ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जे डब्ल्यू ई बी टी पी एस जेड, जे डब्ल्यू ई बी जेड एस पी टी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट ऑप्शन देखो बी ई डब्ल्यू, ये ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा दिन से वो चल रहे हमको, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखो जे डब्ल्यू ई बी जेड एस पी टी, जे डब्ल्यू ई बी जेड एस पी टी, मतलब जो ऑप्शन बी होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन हो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन में फर्स्ट समझ आ गया होगा, ये न्यू पैटर्न था, आप इसकी गले प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको एग्जाम पैटर्न में आ सकता है। ओके अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन सेकेंड, इन अ सर्टेन कोड सब्जेक्ट इज रिटन एज ए टी आर आई यू डी एफ, हाउ इज ऑर्डिनल रिटन इन दैट कोड। हमें क्वेश्चन में सब्जेक्ट का कोड गिवन है, ऑर्डिनल का कोड हमने फाइंड करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, एस यू बी जे ई सी टी, क्या कोड गिवन है हमें सब्जेक्ट का ए टी आर आई यू डी ई। ओके अब देखो सेम मेथड, पहले इसके ऊपर नंबरिंग प्लेस कर देते हैं हम, एस हमारा किस पे आता है 19 पे, यू 21 पे, बी 2 पे, जे 10 पे, ई 5 पे, सी 3 पे, टी 20 पे। ओके देन सेम इसको भी ए 1 पे, टी 20 पे, आर 18 पे, आई 9 पे, यू 21 पे, डी 4 पे और ई हमारा 5 पे। अब देखो इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ है, 19, 1, 21, 20, 2, 18, 10, 9, कोई लिंक नहीं हो रहा। ओके अब ध्यान से देखना इसको, इसमें कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
सेवन। अब देखो सिक्स सिक्स का पेयर है, ठीक है, यहाँ भी अगर हम इसको बीच से तोड़े सिक्स का पेयर बनता है थ्री थ्री, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है सेवन है। देखो अब ध्यान से एस के साथ कौन सा है, एस के आगे एस आर मतलब आर एस होता है, ठीक है, 19 में क्या किया है माइनस वन किया है, तो हम कहां पे आगे 18 पे, 18 में क्या आ गया हमारा आर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ क्रॉस इंटू करके माइनस वन हुआ है, क्लियर हुआ कैसे किया है इसको। नेक्स्ट देखो हमारा यू, यू कितना हमारा 21 पे, 21 से हमने माइनस वन किया तो हम कहां पे आए 20 पे, इसके नीचे क्या आएगा माइनस वन हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी, बी हमारा 2 पे, 2 से अगर माइनस वन करें हम कहां आएंगे 1 पे, 1 पे क्या आता है हमारा ए, तो ये क्रॉस इनटू इस साइड होगा, समझ आया सॉल्व कैसे किया इसको। नेक्स्ट देखो हमारा जे, जे हमारा कितने पे है 10 पे, 10 से अगर हम माइनस वन करते हैं हम कहां आएंगे 9 पे, 9 पे क्या आ गया हमारा आई, ये सीधा स्टेट, ओके। ये जो 4 अल्फाबेट थे वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट थी देखते हैं सॉल्व कैसे हुए। ई, ई में अगर हम प्लस वन करें, ई हमारा 5 पे है, 5 प्लस वन क्या हो गया 6, तो हमारा ये एफ, एफ में क्या आ जाएगा हमारा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्रॉस इनटू, ओके। आगे देखो सी, सी में हमारा क्या है 3, 3 प्लस वन करें 4, तो 4 में क्या आ जाएगा हमारा डी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो टी, टी हमारा 20, 20 प्लस वन करें 21, 21 पे क्या आ गया हमारा यू, क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है इसको। ऐसे ही सेम पैटर्न का गया हमने कोड फाइंड करना है किसका ऑर्डिनल का। देखो सॉल्व कैसे करना है इसको, सेम पैटर्न है ओ आर डी आई एन ए एल। अब देखो यहाँ पे क्या था 3 क्रॉस इनटू हुए, बीच वाला सेम एज इट इज, एंड आगे नेक्स्ट 3 इनटू हुए, ओके। क्या करेंगे इन तीनों का पेयर, इन तीनों का पेयर ये बीच में सेंटर में, ओके। अब देखो जो ओ है हमारा वो आता है 15 पे, आर 18 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, ए 1 पे और एल 12 पे। अब देखो सेम पैटर्न यूज होगा जैसे हमने कोड निकाला था सब्जेक्ट का, इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ सेम मेथड वहां पे यूज होगा। देखो कैसे करना है इसको, एस में यहाँ किया था हमने, यहाँ पे हमने क्या किया था माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ओके, यहाँ पे भी क्या होगा सेम पैटर्न है माइनस वन होगा, ओके। अगर ओ हमारा 15 पे है, 15 से अगर हम माइनस वन करें हम कहाँ आएंगे 14 पे, तो 14 में क्या आ गया हमारा एन। सेम आर हमारा 18 पे है, 18 माइनस वन 17, 17 में क्या आएगा हमारा क्यू। नेक्स्ट डी, डी हमारा 4 पे है, 4 माइनस वन 3, 3 भी क्या आएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आई, आई हमारा 9 पे है, 9 माइनस वन 8, 8 पे क्या आएगा हमारा एच। अब देखो यहाँ पे 4 जो अल्फाबेट थे माइनस वन हो रहा था, जो नेक्स्ट 3 अल्फाबेट थे वहां पे क्या हो रहा था प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ओके। यहाँ भी सेम पैटर्न लगेगा, अगर हमारा एन 14 पे है, 14 प्लस वन कितना होगा 15, 15 में क्या आएगा हमारा ओ, ओके। नेक्स्ट ए हमारा 1 पे है, 1 प्लस 1 2, 2 पे क्या आएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखो लास्ट एल, एल हमारा 12 पे है, 12 प्लस 1 13, 13 में क्या आएगा हमारा एम, क्लियर हुआ। सॉल्व कैसे करना है इसको, देखो कैसे इनटू है ये, दिस इनटू ये भी सेम अगेन सेम इनटू है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें भी न्यू पैटर्न यूज हुआ था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी न्यू पैटर्न यूज हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न यूज होगा ये आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके पता चलेगा। ये थे हमारे आज के दो क्वेश्चंस, अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस आएंगे न्यू मास्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।